दोस्तों नमस्ते। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रैक्टिकल का स्पेलिंग नहीं आती है, उसके बाद भी वो प्लस टू स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में बहाल होंगे। ऐसा हाल है बिहार का। ये खबर आज की है, मुजफ्फरपुर जिला का न्यूज़ है कि अतिथि शिक्षक बहाली में सोमवार को बीबी कॉलेजिएट में काउंसलिंग के लिए पहुंचे अभ्यर्थी के सवाल सुनकर सकते में पड़ गया। अभ्यर्थियों के पास उनके सवालों का अधिकतर जवाब नहीं था। आपको बता दें कि पहले दिन अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग थी। आरटीबीके झा ने भी अभ्यर्थियों से अंग्रेजी विषय से जुड़े ही कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद स्कूल के वर्ग से जुड़े पाठ्यक्रम का कविता लेखक का नाम स्पेलिंग पूछा। सवाल सुनने के बाद अभ्यर्थी इधर से उधर झांकने लगे। सबसे बड़ी बात की एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि पढ़ाई किए हुए कुछ दिन हो गए हैं, इसलिए भूल गई हूँ, घर जाकर तैयारी करूंगी। एक अभ्यर्थी से जब आरडी ने प्रैक्टिकल का स्पेलिंग पूछा तो वो भी गलत जवाब दे दिया। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखने बात यह है कि इस तरह के सवाल जवाब से अभ्यर्थियों की बहाली पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। जानकारी होगा कि बिहार के प्लस टू स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जो बहाली होने जा रही है वो एकेडमिक मेरिट के आधार पर होने जा रही है, इसलिए इस तरह के सवाल जवाब से जो है किसी भी तरह के नुकसान नहीं। हालांकि उसको पढ़ाना कुछ भी नहीं आता है तो भी वे अतिथि शिक्षक बन जाएंगे, बस डिग्री होना चाहिए उसके पास। यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह के सवाल जवाब से अभ्यर्थियों की बहाली पर किसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आरडीडी ने कहा कि बहाली अगर प्रतियोगिता से होती तो और भी बेहतर होता। आप देख सकते हैं कि बिहार में अतिथि शिक्षकों की जो बहाली होने जा रही है इसको लेकर के अभी से सवाल खड़े होना शुरू हो चुका है। और साथ ही सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सोमवार से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो गई है। ये मुजफ्फरपुर जिला का न्यूज है कि पहले दिन अंग्रेजी विषय की काउंसलिंग हुई। रिक्ति के पद से 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और इसमें 125 अभ्यर्थी में 61 उपस्थित थे, तो 6 विषय के लिए 154 सीट पर बहाली होनी है। 27 जुलाई तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। देखते हैं कि किस तरह से बिहार में अतिथि शिक्षकों की बहाली होने जा रही है कि प्रैक्टिकल का भी स्पेलिंग नहीं आता है। तो एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि पढ़ाई किए हुए कुछ दिन हो चुका है, इसलिए भूल चुकी हूँ, घर जाकर तैयारी करूंगी तो बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ एक अभ्यर्थी से प्रैक्टिकल का स्पेलिंग पूछा गया तो वो भी इसका सही जानकारी नहीं दे पाया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि वे प्लस टू बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उसे खुद प्रैक्टिकल का स्पेलिंग नहीं आता, फिर उन्हें कुछ अभी भी खुद नहीं आते हैं तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही।